हाय फ्रेंड्स, तो हम आज बनाने वाले भुट्टे के पकोड़े, तो उसकी रेसिपी हम आपको शेयर करेंगे। तो आप लोगों को कैसे लगे आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो चलिए हम बनाना देखेंगे अभी। तो उसे सबसे पहले इस तरीके से निकाल लेना है। पूरा हमने निकाल लिया है, छील लिया है। अभी इसके बाद हम इसे मिक्सर में पीसेंगे। तो देखते हैं किस तरीके से पीसना है, ये भी हम बता के देंगे आपको। तो हमने इसे पूरा छील लिया है, तो चलिए देखते हैं अभी। तो इसमें मिर्ची देना है अपने, आप लोगों को जिस तरीके जितना तीखा चाहिए उतना आप मिर्ची दे दीजिए। तो मिर्ची देने के बाद हम इसे पीसेंगे। इस तरीके से आप लोगों को एकदम बारीक करके पीसना है। तो हम इसमें डालेंगे धनिया, शॉप रेट की अजवाइन और हरी मिर्ची, हरा धनिया और एक बड़ा सा प्याज, उसे काट लिया है। तो ये सारे इंग्रेडिएंट हम डालेंगे उसमें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, धनिया को इसमें कूट लेंगे। तो इसमें धनिया हमने डाल दिया है। उसके बाद शोप को भी थोड़ा सा कूट लेंगे। तो अभी इसमें शोप भी डाल दिया है हमने। अभी अजवाइन को हाथ से इस तरीके से मसल के डालना है इसमें। इसमें अभी थोड़ा प्याज डाल देंगे। उसके बाद हरी मिर्च, फिर हरा धनिया, अब इसमें हम बेसन देंगे। एक कटोरी बेसन चाहिए इसमें। अभी इसे हम मिक्स, इसमें स्वाद अनुसार नमक देंगे। अभी इसे हम मिक्स करेंगे। ये अभी पूरी तरीके से मिक्स हो गया है। अभी इसे थोड़े देर से फ्राई करेंगे। तो अभी तेल गरम हो गया है, इसमें हम अभी वड़ा डालेंगे। तो हमारा पकोड़ा रेडी हो गया है, इसे हम सॉस के साथ सर्व करेंगे। तो अब ये रेडी हो गया है, इस तरीके से बना है। तो अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा कि कैसा बना है ये। और मेरे चैनल सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच मेरा ये वीडियो देखने के लिए।